एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज के ताजा मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी में ठंड का सितम जारी, 24 घंटों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी के आसार। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को आखिर तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है और मौसम विभाग ने ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ में घना कोहरा हो रहा है, साथ ही लखनऊ में विजिबिलिटी भी 50 मीटर दर्ज की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश होने की भी संभावना है, साथ ही साथ ठंड बढ़ेगी। ये तेज ठंड हवा हिमालय क्षेत्र की ओर से बर्फबारी होने के बाद आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक हवा ऐसे ही चलती रहेगी, जिसके साथ साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बनी रहेगी। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस महीने आपको बता दें शुरुआत होने जा रही सुबह कोहरा पड़ने और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम में परिवर्तन होने की वजह से आपको बता दें गलन और ठिठुरन बढ़ सकती है और दिन में सूरज की रोशनी तेज होने के साथ ही लोगों को गुनगुनी धूप का एहसास भी हो सकता है। वहीं कानपुर में आपको बता दें कल को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में बरेली सबसे ठंडा शहर रिकॉर्ड किया गया, जहां बरेली का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ ही पश्चिमी यूपी में आपको बता दें कोल्ड डे कंडीशन यानी कि अधिक ठंड वाला शहर बरेली रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी से अगले 2 दिन हो सकते हैं बेहद ठंडे। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फिर से बर्फबारी होने के आसार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दिन ठंडा रहेगा। अगले 2 दिन यूपी के तराई बेल्ट में रात और सुबह के दौरान घना से बहुत घना कोहरा रहने की आशंका है। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी घना कोहरा बना रहेगा। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार आपको बता दें 2-3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। दरअसल आपको बता दें कि एक पश्चिमी कमजोर विक्षोभ बना हुआ है, जिससे आपको बता दें सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। चलिए जानते हैं कि राजधानी का तापमान कैसा रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको बता दें बीते 2 दिन न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मिनिमम टेम्परेचर आपको बता दें 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटा गाजियाबाद बीते दिन ठंडा रहा, यहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तापमान बना रहा। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आयन सुभाष ने बताया है कि आपको बता दें 2-3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम तेजी से बदलेगा, जिसके कारण आपको बता दें 2-3 दिनों तक बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की भी आसार है। इससे तापमान नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी।